नहीं मतलब करम फजल और शिक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज आज यार अपने अंडे मैंने रखे हैं टोकरी में, परसों जो टोकरी लेके आया था जो आपको पता है, तो टोकरी मैंने साइड से काट ली थी, ऊपर पड़ी है वो मैंने अंडे उसके ऊपर रखे हैं। माशाल्लाह से 19 दिन के हो चुके हैं अंडे इंक्यूबेटर में पड़े पड़े ना। तो मैं आपको अंडे दिखाता हूँ, उसके ऊपर रखता हुआ भी दिखाता हूँ। एक मिनट फैमिली, अपना इंक्यूबेटर तो ये साथ में था कि घूमने भी है रोलर इसका, तो मैं इसको ना खोलता हूँ ढक्कन का उसका और आपको चला के दिखाता हूँ, अंडे रख सेट करके दिखाता हूँ। और फैमिली माशाल्लाह से ये अंडे ना टूटना भी शुरू हो गए हैं, छिलके इनके और चूहे बोलने लगे हैं। जल्दी जल्दी मैं रखूँ ऐसे घूमने से पहले इसके, मैं रख के मिलता हूँ आपको। अल्हम्दुलिल्लाह ये रख लिए मैंने अंडे, अब रोलर घूमेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह घूमेगा रोलर। ये एक मिनट रह गया पर फिर भी हम जल्दी घुमा लेते हैं। ये बल्कि घूमने लग गया रोलर, ये देख सकते हैं फैमिली रोलर घूम रहा है और ये सारे अंडे घूम रहे हैं सिवाय उनके, और ये भी एक अंडा टूटा हुआ है। अच्छा हैच हो रहा है, तो ये पता नहीं कौन सी डेट का है, मैं देखता हूँ क्योंकि अभी मैं अकेला हूँ, कैमरा पकड़ने वाला कोई भी नहीं मेरे साथ। जो अंडा ये वाला जो आपको दिखा रहा हूँ, ये 4 अप्रैल का है, तो इस पर पता नहीं क्या, ये देख लें माशाल्लाह से ये चूहे निकलना शुरू हो गया। अभी इनको ढकता हूँ तो रखते हैं अंदर, बंद करते हैं माशाल्लाह। इनका जल्दी जल्दी मैं एक ब्रूडर का सेटअप बनाऊँ वो कंप्लीट करके इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज ना इनको टेंशन नहीं होने का, आज सारा ब्रूडर का सेटअप बना देना है। पानी का एक कैन जो बाज़ार से लेके आते हैं ना, बाज़ार वाला जो मैंने दूसरी मुर्गियों के लिए वो उस तरह का रखना है इनके पानी पीने के लिए, एक जो ब्रूडर के अंदर रखना है, क्योंकि ब्रूडर के अंदर बोतल वाला सिस्टम नहीं, बोतलों वाला सिस्टम रखना सारा उधर कबूतरों के खुडे में, ठीक है? तो अभी जाके लेकर आता हूँ ब्रूडर के लिए सामान सारा, तो इंशाल्लाह आज करना यार बड़ी खुशी, हमें बड़ा खुशी लगा यार इसमें। इंशाल्लाह चूज़ हो जाएंगे अभी अपने, तो आने वाला 10-15 मिनट तक, फिर भी मैं जाके बाहर जो इनसे पास सामान पता करना है वो पता कर लूँ मैं, तो फिर निकलते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा बहुत पसीना है, काफ़ी देर का लगा हूँ काम करने, अभी मैं बना लगा हूँ ब्रूडर चूज़ों के लिए, बस चूज़े भी निकल आएंगे इंशाल्लाह जल्दी 2 दिनों तक। ये देख सकते हैं आप डब्बा लेके ना ब्रूडर बनाने के लिए, ये फ्रिज का डब्बा था जिसको मैंने काट के इस तरह किया छोटा इतना, ठीक है? बहुत ऊँचा डब्बा था ये, तो ये देख सकते हैं इधर ये सारा सेटअप करता हूँ। सेटअप कंप्लीट करने के बाद आपको मिलता हूँ। इसके नीचे तक लगानी मैंने वो कहते हैं समुद्री झाग वाली शीट ना, ये वाली ये शीट, तो ये लगा के मैं मिलता हूँ आपको फिर। देखें ये फॉर्मिक शीट थी वो इसके अंदर मैंने लगा दी है, तो अभी इसके अंदर लगाते हैं कंट्रोलर और इसके अंदर बल्ब लगाते हैं और सारा टेम्परेचर कंट्रोल आपको दिखाता हूँ। ये पड़ा हुआ है 7 अडॉप्टर है इसका, ये आम सा कंट्रोलर है, कोई ज़्यादा हैवी नहीं ना ही इतना ज़्यादा महंगा है, सिर्फ 400 रुपये का मिला ये कंट्रोलर। ये देख सकते हैं ये कंट्रोलर साथ इसका सेंसर है वो अंदर पड़ा है, वो भी दिखाता हूँ अभी लगा के आपको। फैमिली अभी जा रहा हूँ, अफ्तारी का टाइम रह गया सिर्फ 20 मिनट, सामा के पास जाना है हमें अफ्तारी करने में, मैं अभी जा रहा हूँ मास की दुकान पर, अदरान भी उधर ही आया हुआ है, तो जल्दी जल्दी पहुँचता जाके मिलता हूँ आपको। तो भैया मुझे रास्ते में मिल गए, जाके मिलता हूँ आपको। फैमिली तो तकरीबन आधे लड़के आ गए और आधे आ रहे हैं, उसामा भाई करा रहा है अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौलाना साहब बड़ी मेहरबानी जनाब उसामा साहब की, अल्लाह इनके माल औलाद में बरकत अता फरमाए, इन्होंने इफ्तारी करवाई है, इफ्तारी करवाने वाले को भी रोजेदार के बराबर सवाब है। तो अभी आसान का इंतजार कर रहे हैं जल्दी जल्दी इफ्तारी करें, मुझे आज बहुत रोजा लग रहा है। माशाल्लाह से फैमिली अभी अफ्तारी कर लिया, तो अभी जा रहे हैं नमाज पढ़ने, नमाज पढ़ के मिलते हैं आप। डर चला गया पहले नमाज? नहीं नहीं मस्जिद चल रहा, मस्जिद में गया पहले, गया नमाज पढ़ने हमसे। ये देख सकते हैं जट साहब नमाज तो पढ़ लेता, ये जमात मेरी है। हाँ जमात अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली अभी नमाज तो अदा कर लिया, अभी चलता हूँ घर, घर जाके मिलता हूँ आपको भी इनके साथ ही, अभी थोड़ी देर उसके बाद मिलते हैं। अभी इतने ग्लू गन के रॉड ख़त्म हो गए थे, अभी वो जाके रॉड लेता हूँ जीपी को लेता हूँ, जीपी को साथ लेके फिर काम करेंगे, ताकि यार काम तो अच्छा दिल लगे के साथ हो जाए ना, अभी यार बोर हो ही जा रहा था मैं अकेला।
तो रॉड लेके ना मास्क की दुकान से फिर जीपी के पास चलते हैं। नहीं आप देख सकते हैं मेरा ब्रूडर, ये तकरीबन 100 चूजों के लिए है, पर ये मैंने अपने 50 चूजों के लिए बनाया। इंशाल्लाह आगे 100 चूजे भी होंगे उनके लिए। ये टेम्परेचर कंट्रोलर, ये देखें आप, ये वायरिंग की सारी, और अंदर टेम्परेचर अभी 38.3 आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने सेटिंग ना इसकी ज़्यादा की है कि ज़्यादा देर तक हीट करे, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर भी तकरीबन 37 है। तो आप ये देख सकते हैं फैमिली, जिस तरह ये अब ये इसको मैंने बल्ब के पास किया और टेम्परेचर यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो देख सकते हैं आप। जिस तरह टेम्परेचर पूरा आएगा, जितने रीडिंग दी है उसी तरह ऑटोमेटिक ये बल्ब बंद हो जाएगा। देखिए जैसे फैमिली 39.7 से ऊपर गया है बल्ब टेम्परेचर, फ़ौरन ही ये बंद हो गया है। जिस तरह ये नीचे डाउन आएगा टेम्परेचर, जब क्योंकि अभी टेम्परेचर काफ़ी हीट है, डब्बे के अंदर हवा जाएगी तो फिर ये टेम्परेचर डाउन आएगा, इसलिए मैं डब्बे के अंदर हवा डालता हूँ जाके टेम्परेचर जल्दी जल्दी डाउन आए और ये ऑटोमेटिक ही बल्ब दोबारा से ऑन हो जाएगा। ये देख सकते हैं मैं जिस तरह अभी 38 पे आया है एक पॉइंट नीचे, तो ये देखें ये बल्ब चल गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पता लगे किस तरह टोटल सिस्टम किया है, वायरिंग किस तरह की है, ठीक है, मैं इस पर मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे खुद इसकी सही तरह समझ नहीं आई। मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया बगैर किसी के हेल्प के, तो अभी जीपी भी नहीं आएगा। जीपी आता तो मैं आपको बता देता वो क्या हुआ है दावत पे, तो इस वजह से वो नहीं आ सका। उसको थोड़ा सा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। तो बाकी मैं ना अभी सेटअप कंप्लीट करता हूँ, इसको सेट करता हूँ, रखता हूँ, तो फिर मिलता हूँ आपको, फिर दिखाता हूँ आपको। ओ हाँ, आपको एक चीज़ बताऊँ मज़े की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फैमिली ये देखें हमारे छोटे छोटे चूजे, ये अभी 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 आए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से। इसमें माशाल्लाह से फैमिली हमारे पास दो गंजी मुर्गियाँ, गंजे चूजे, गंजे, ये देखें ये गंजे मंजे, ये एक गंजा है, ये भी गंजा है, ओ सॉरी ये गंजा है, देख ये गंजा है, माशाल्लाह से ये सारे आए हैं चूजे, ये भी अभी निकला है। तो इनके सबकी चिट्ठी खा ली है, तो इंशाल्लाह सुबह तक देखते हैं। बाकी सारे माशाल्लाह से जो अंडे रखे थे वो सारे हैच हो रहे हैं, तो करते हैं इनका सेटअप। इसका जो टेम्परेचर ज़रा हिल गया है, जिसको मैंने उठाया था ढक्कन, इस वजह से बोलने लग गया, तो अभी सेटअप करता हूँ सारा इनके शेल एग शेल वो। ये देखें बाकी इन पांचों चूज़ों के, चारों चूज़ों के एग शेल यहाँ पे रखे हुए हैं। ये सेटअप करके ना मिलता हूँ आपको अभी। अच्छा फैमिली, इसके बाद मैं अभी नमाज पढ़ने चला गया था, नमाज पढ़ने के बाद उधर से अस्मत के पास गया, तो ना इतना सा सही व्लॉग नहीं बना, तो फिर अस्मत के पास आते हुए देखा तो भी पीएम इमरान खान का जलसा हो रहा था कराची वाला, तो ये देखे ज़रा उसके मंदिर। मैं ज़रा बात चला गया था नमाज वगैरह पढ़ी, और फिर अस्पत के पास चला गया था, अस्पत साथ है मेरे, तो अभी आए थे तो देखा था आज कराची का, कराची में जलसा है, तो बुरे वाला में भी एलसीडी लगी हुई है काफ़ी आवाम से, देखा आपने बच्चे वगैरह पोस्टर वगैरह भी पकड़ खड़े थे। तो अभी जा रहा हूँ घर, इसको दिखाता हूँ भाई अपना ब्रोडर और इंक्यूबेटर और चूजे, तो और देखता हूँ और कितने चूजे निकले, पहले 5 शायद एक आधा और निकला है, तो जलते हैं घर जाके दिखाते हैं फिर अभी। अच्छा तो फैमिली अभी अस्पताल चला गया, उस टाइम वीडियो बनाने का माइंड भी नहीं रहा, वो दिखा रहा था वो जल्दी जल्दी, मुझे भी एक्साइटमेंट थी भाई मैंने ब्रोडर बनाया, तो वीडियो बनाने का माइंड भी नहीं रहा, तो माशाल्लाह से अभी 6 बजे हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।